Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में जो कि होने वाला है रॉयल रंबल 2022। गाइज WWE नेक्स्ट बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर WWE ने अच्छे से दिमाग लगा के 2 महीने लिए हैं पूरे ये प्रीमियम लाइव इवेंट को बिल्ड करने के लिए, इसलिए हमको WWE के बहुत ही बड़े बड़े चीजें और मैचेस करते हुए दिखने वाली है ये प्रीमियम लाइव इवेंट में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हो सकते हैं 3 बड़े सरप्राइजेस जो हमको इवेंट में देख सकते हैं और शॉक कर सकते, क्योंकि ये हमको रेसलमेनिया का जो रोड टू रेसलमेनिया गाइस उसको किक ऑफ करते हुए दिखने वाले, तो डेफिनेटली गाइस प्रीमियम लाइव इवेंट बड़ा तो होने वाला है। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आपको रॉयल रंबल का इवेंट देखने वाले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस नंबर 3 पे हम लोगों ने रखा है हमारी शार्लेट फ्लेयर का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच विन। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सो गाइस जो कि हमारी WWE है गाइस वो हमको शायद से शार्लेट फ्लेयर को जिताते हुए दिख सकती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। गाइस बहुत ही बड़े सोर्स से रिपोर्ट आई है कि गाइस WWE अभी फिलहाल ये प्लान कर रही है कि वो रेसलमेनिया 39 में शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका बेलर का मैच करने वाली है फॉर द WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और इस WWE शायद से ये पर्सपेक्टिव से जानने वाली है कि वो पहले शार्लेट फ्लेयर को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप देने के लिए गाइस वो पहले उनको रॉयल रंबल मैच जिताएगी, फिर वो रेसलमेनिया 39 में उनका बियांका बेलर के अगेंस्ट मैच करेगी फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। यानी कि WWE ये ऐसे नहीं जानने वाले कि शार्लेट फ्लेयर सीधा रिटर्न आके बियांका बेलर को चैलेंज करे, वो ये सोच रही है कि शार्लेट फ्लेयर रॉयल रंबल मैच में आएगी, वो रॉयल रंबल मैच जीतेगी और फिर वो बियांका बेलर को चैलेंज करेगी रेसलमेनिया में फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट भी किया गया जो रिपोर्ट से आया कि हमको मोस्ट प्रोबेबली ऐसे रिपोर्ट देख के लग रहा है कि शार्लेट फ्लेयर हमको शायद से बनते हुए दिख सकती है ये साल की वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की फिनाल, और पॉसिबली हमको शार्लेट फ्लेयर बनते हुए दिख सकती है WWE में पहली ऐसी महिला जो कि पहली बार दो बार जीतने वाली है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच। हमको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हमको शार्लेट फ्लेयर बनते हुए दिखने वाली है ये साल नेक्स्ट ईयर के वुमेन्स रॉयल रंबल मैच की विनर। फिर गाइस नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है गाइस हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का मैच अगेंस्ट द केविन ओवेंस। गाइस WWE शायद से ये प्लान कर रही है मोस्ट प्रोबेबली कि वो हमको WWE के रॉयल रंबल 2022 के प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस का मैच कराते हुए दिखने वाली है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, WWE ये प्लान कर रही है कि हमको रॉयल रंबल में केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच दिखने वाला है, वो भी गाइस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो हम लोग ये बात करने लगे क्या हमको पॉसिबली केविन ओवेंस के मैच में बनते हुए देख सकते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। सो गाइस WWE वालों को देख के लगता है नहीं कि वो अभी के लिए तो गाइस कुछ वक्त के लिए रोमन रेंज से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेने वाले। गाइस आप देख सकते हो कि रोमन रेंज पहले यूनिवर्सल चैंपियन है, वो एक साल के ऊपर होते रोमन रेंज चैंपियन है, फिर भी गाइस WWE वालों ने रोमन रेंज से चैंपियनशिप ले लेने क्लियरली दिखाता है कि WWE के पास बहुत ही बड़े बड़े प्लान है रोमन रेंज के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के फ्यूचर के लिए। और मुझे देख के नहीं लगता कि गाइस केविन ओवेंस वो बंदा होने वाला है कि जो कि रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि गाइस WWE अगर अभी जो रोमन रेंज का रेन है गाइस मुझे लगता है कि वो ऐसा स्टार खत्म करना चाहिए जो कि वो सच में हमको लगे कि हाँ गाइस ये बंदे ने मेहनत की है और यही बंदा हराना चाहिए। एग्जांपल के लिए अभी के स्टार्स पूछते हो तो मैं सोचता हूं सेथ रॉलिंस, अगर आप एक बहुत ही बड़े ये सोचते हो WWE के स्टार तो मैं रैंडी ऑर्टन सोचता हूं, और अगर आप एक यंग सुपरस्टार सोचते हो तो मैं ऑस्टिन थ्योरी ऐसे नाम सोचता हूं। गाइस ये ऐसे कुछ चंद नाम है जो कि रोमन रेंज को हरा के बनने चाहिए द नेक्स्ट चैंपियन। मुझे नहीं लगता कि गाइस केविन ओवेंस वो बन रहा है जो कि रोमन रेंज को हरा के बनना चाहिए द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। और एक चीज जो हमको कंसीडरेशन में लेनी चाहिए गाइस वो है कि अभी हमको WWE रो टू रेसलमेनिया सीजन किक ऑफ करते हुए टिकने वाली है, और इस WWE हमको शायद से मोस्ट प्रोबेबली गाइस इधर ये पूरे रो टू रेसलमेनिया में रोमन रेंज को चैंपियनशिप लेते हुए नहीं दिखने वाली है, क्योंकि गाइस आप भी सोचो गाइस रोमन रेंज कंपनी के सबसे बड़े स्टार है अभी के लिए, गाइस वो ही अगर सर उनके चैंपियनशिप हारते
बिकॉज रोड टू रेसलमेनिया पूरा फीका फीका लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि WWE रॉयल रंबल को इतना बड़ा इवेंट मानती है कि गाइस वो हमको रॉयल रंबल में रोमन रेंज का 800 दिनों का जो रिकॉर्ड है गाइस चैंपियन का वो खत्म करते देखे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है कि हमको रोमन रेंज रॉयल रंबल में उनके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हुए टिकने वाले। और इस प्लस मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स है रोमन रेंज के लिए, जिसे देख के नहीं लगता कि WWE रोमन रेंज से अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप कुछ वक्त के लिए भी लेने वाले। जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमको रॉयल रंबल में केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंज का मैच दिखता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो मोस्ट प्रोबेबली हमको जो कि हमारे रोमन रेंज है वो ही है मैच में केविन ओवेंस को हराते हुए दिखने वाले और सक्सेसफुली उनकी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाले। फिर गाइस नंबर वन पे हम लोगों ने रखा है कि गाइस WWE के मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर जो कि पॉसिबली हो सकते हैं द रिटर्निंग कोडी रोड्स। गाइस आप बिल्कुल सही सुनकर शायद से हमको जो कि कोडी रोड से गाइस वो ये साल का रॉयल रंबल मैच जीतते हुए देख सकते हैं। गाइस WWE गाइस अभी ये प्लान सोच रहे हैं कि वो इधर हमको रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच कराते हुए देखने वाली है और ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो गाइस वो द रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच करने वाली है और ये अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और शायद से गाइस WWE ये भी सोच रही है कि कैसे मैच ये दोनों मैचेस वो रेसलमेनिया में कर रहा है। नाइट वन पे पहले रोमन रेंज फेस करेंगे कोडी रोड्स को और नाइट टू पे वो फेस करेंगे द रॉक को। ये WWE बहुत सोच रही है और WWE ये भी बैकअप ऑप्शन रखा है कि अगर द रॉक रॉयल रंबल में रिटर्न नहीं आ पाते रेसलमेनिया के लिए तो पॉसिबल हमको कोडी रोड्स होते हुए रिप्लेसमेंट दिखने वाले हैं द रॉक की एट रेसलमेनिया 39। इसलिए गाइस WWE ये बैकअप प्लान से जा रही है कि अगर इधर द रॉक वापस नहीं आते हैं रेसलमेनिया 39 के लिए कि वो रोमन रेंज को आके चैलेंज करे फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस WWE ये प्लान है कि वो शायद से वो ये काम देने वाली है कोडी रोड्स को कि वो रॉयल रंबल मैच जीत के रोमन रेंज को फेस करे फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और मुझे लगता है कि WWE का ये बेस्ट डिसीजन रहेगा कि वो कोडी रोड्स को रोमन रेंज के सामने लगे। कैसे जब से कोडी रोड्स AEW कंपनी छोड़कर WWE में आएगा फैंस का उनको बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है और आपको बताइए तो उनको कितना अच्छा रॉकेट पुश मिला है WWE वालों से, वो एक भी मैच नहीं आ रहा है। मुझे ये लगता है कि कैसे ये मोमेंटम के साथ अगर कोडी रोड्स रोमन रेंज को फेस करते कैसे ऑब्वियसली कैसे रेसलमेनिया बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जब उनको पॉसिबली कैसे कोडी रोड्स को रोमन रेंज के अगेंस्ट डालने के लिए उनको पहले मैच रॉयल रंबल मैच जीताएगी फिर वो रोमन रेंज को और कोडी रोड्स को सामने आपने सामने लाएगी। इंगेज आपको पता है कोडी रोड्स गाइस WWE में एक ऐसा बंदा है जो ऐसे चीजें वो सीरियस ऐसे चीजें नहीं लेता, वो मेहनत करेगा फिर वो मेहनत ही के बाद वो चीजें अचीव करेगा। कोडी रोड्स ऐसा बंदा है जिस पॉसिबली हमको कोडी रोड्स ये साल के मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर बनते हुए देख सकते हैं। गाइस आप बिल्कुल सही सुन गए, शायद आपको कोडी रोड्स बनते हुए देख सकते हैं ये साल के मेंस रॉयल रंबल मैच के विनर। अगर ये तभी होगा अगर द रॉक रिटर्न नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि अगर द रॉक रिटर्न नहीं आता है तो मोस्ट प्रॉब्लम कोडी रोड्स ही जीतते हुए दिखने वाले मेंस रॉयल रंबल मैच। तो इसमें द रॉक के साथ भी जा सकते हो लेकिन मुझे लगता है कि कोडी रोड्स के ज्यादा चांसेस है अगर द रॉक रिटर्न नहीं आता, क्योंकि स्टार है ही नहीं कंपनी में जो कि रॉयल रंबल जीतने के लिए बिल्ड हुआ है। मैं मानता हूं कोडी रोड्स अभी इंजर्ड लेकिन तब भी उनका मोमेंटम बहुत है। गाइस वो ऐसे ब्रेक पे जाने के पहले भी गाइस उन्होंने सेट रॉयल्स को तीन तीन बार हराया था और वो एक भी मैच नहीं हारे तब से उन्होंने WWE में रिटर्न किया। इसलिए पॉसिबली गाइस कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच जीतते हैं और फिर रोमन रेंस को फेस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम रहेगा। और इतने मोमेंटम के साथ रोमन को फेस करते कि रोमन ने समझ लगा था कि बड़ा मैच हो जाएगा। इसलिए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कोडी रोड्स जीतते हुए दिखने वाले हैं ये साल का मेंस रॉयल रंबल मैच और पॉसिबली फेस करेंगे हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 39 फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।